दोस्तों जब तक चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें पाकिस्तानी न्यूज एंकर राहुल गांधी की भाषा बोल रहा है। उसने राहुल गांधी की क्लिप दिखाकर कहा है कि कैसे मोदी अपने देश को लूट रहा है। दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी, घर का बेदी लंका ढाए। दोस्तों जो भी चीज़ें होती हैं हमारे देश में, अगर वे डिफेंस से संबंधित है तो उस बारे में किसी को भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचे। आप मोदी विरोध में देश का विरोध भी करने लगते हैं। दोस्तों आकर देखते हैं कि यह न्यूज एंकर क्या बोल रहा है हमारे देश के बारे में। की खरीदारी का सौदा शुरू दिन से ही मुतनाज़े रहा है, सवालात की जद में रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तैयारों की खरीदारी के लिए अपने करीब से करीबी दोस्त बिजनेसमैन अनिल अंबानी को नवाजने के इल्जाम लगाए गए हैं। राहुल गांधी इस मामले पर मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। उनका इल्जाम था कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस वायदे में अनिल अंबानी की कंपनी को शामिल करके अकरबा परवरी के मर्तकब हुई है। राहुल गांधी ने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात करके राफेल के मुआहदे में तब्दीली कराई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडिया को धोखा दिया है, उन्होंने हमारे फौजियों के खून की बेहुरमती की है। कांग्रेस जमात ने मोदी पर यह भी इल्जाम लगाया था कि 2012 के मुआहदे के मुकाबले में हुकूमत फी तैयारा फ्रांस को ज्यादा रकम अदा कर रही है। कांग्रेस हुकूमत ने फ्रांस से फी तैयारा 526 करोड़ रुपए में खरीदने का मुआहदा किया था, जबकि मोदी हुकूमत ने वही तैयारा 1670 करोड़ रुपए में खरीदने का मुआहदा किया है। कांग्रेस ने 126 तैयारे खरीदने का मुआहदा किया, जबकि मोदी हुकूमत सिर्फ 36 तैयारे खरीद रही है। कांग्रेस ने फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुआहदा किया था, जबकि नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कोई मुआहदा नहीं किया। यानी कांग्रेस तैयारों की असेंबलिंग भारत में करने की ख्वाहिशमंद थी, जबकि मोदी इससे इनकारी है। सवाल यह भी उठता है कि राफेल तैयारे 5 साल ताखीर के बाद क्यों डिलीवर किए गए हैं। इस हवाले से राहुल गांधी का क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिलवाया। हम ये बात 1 साल से ज्यादा से उठा रहे हैं। मेरे बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस, निर्मला सीतारमन ने झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने स्वयं झूठ बोला, 1.5 घंटा मुझसे बातचीत और अब सच निकल। सच्चाई क्या है कि वायुसेना डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं, और यहाँ उनका डॉक्यूमेंट है, कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है। और अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमारी नेगोशिएटिंग टीम से खुश नहीं है तो वो अपनी नेगोशिएटिंग टीम के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन। होलैंड जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे डायरेक्टली बोला है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। ये बिल्कुल साबित हो गया, चौकीदार चोर है और कोई मतलब इससे क्लियर मामला हुई नहीं सर। चौकीदार चोर है, ये कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी मुसलसल इन इल्जामात की तर्दीद करती रही है। जंगी तैयारी राफेल के इंडिया पहुंचने के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इंडियन फजाइया को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि फजाइया की ताकत सही वक्त पर बढ़ाई गई है और इस बारे में उनको फिक्र होनी चाहिए जो इंडिया की इलाकाई सालमियत के लिए खतरा है, इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए खतरा है। राजनाथ सिंह ने अपने तीनों पड़ोसी ममालिक का नाम लिए बगैर धमकी दी है। एक जानिब फ्रांस से नरेंद्र मोदी की डील को करप्शन का तारीखी स्कैंडल करार दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब भारत के जंगी जुनून पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। दुनिया अमनो अमान की बात कर रही है, लेकिन भारत के जंगी जुनून में मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है? क्या राफेल तैयारों की खरीदारी से भारत का दिफा मजबूत होगा? नरेंद्र मोदी इलाकाई अमन के लिए खतरा बन रहे हैं, लेकिन अपनी ताकतें खामोश क्यों हैं? इन तमाम तर सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अंबाला में राफेल तैयारों की आमद के बाद पूरे भारत में एक जश्न का सा समा है और भारतीय वजीर दिफा ने एक ट्वीट की और उसमें लिखा कि राफेल तैयारों की शमूलियत के साथ अब भारतीय एयरफोर्स की सलाहियतों में बेपनाह इजाफा हो गया, बल्कि उन्होंने कहा है कि रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, इनकलाब बरपा कर देंगे ये। तो हमारी इतलात के मुताबिक तो राफेल 4.5 जनरेशन से कुछ ज्यादा की आगे बड़ी चीज नहीं है। क्या वाकई भारत जो क्लेम कर रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि भारतीय जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा राफेल तैयारों की शमूलियत के साथ, इज इट राइट? मेरे ख्याल में इससे बढ़ के मैं समझता हूँ कि कोई गलत बयान नहीं दिया जा सकता। जैसे ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें करते रहे और तोपखाने से चंद गोले दाग कर कहते थे हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पूरी दुनिया ने उन पर लान तान की, तो भारत ने ये वतीरा अपना रखा है कि अपने अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी करता रहता है। जो हमने उनके साथ फरवरी में किया था वो तो सारी दुनिया ने देखा। बात वो होनी चाहिए जो दुनिया करती है, वो नहीं होनी चाहिए वो चाय पिलाने वाला जो प्राइम मिनिस्टर करता है।
उसे क्या मालूम कि एविएशन क्या है, और ये जो हम स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी की बातें करते हैं ये चीज़ें क्या हैं। तो बहरहाल लोगों को पागल बनाने के लिए वो इस तरह की बातें कर देते हैं। कौन सी चीज़ है जो बदलने जा रही है? फोर्थ जनरेशन जहाज़ है, इसी के साथ का जहाज़ जो Su-30 है वो हमने गिराया था, आपको भी याद होगा हमारे JF-17 ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, F-16 भी हमारे पास मौजूद है। तो कौन सी नई चीज़ है जो भारत और शायद साहब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो भारत के पास जहाज थे जो हम गिरा भी चुके हैं और जो पूरी दुनिया ने देखा है वो उसकी कैपेसिटी शायद बेहतर थी, कैपेबिलिटी बेहतर थी। $9.2 बिलियन की जो डील की गई है और फिर अनिल अंबानी के साथ ये मुंसलिक की जाती है, इसका असल में बेनिफिशरी कोई और है और असल में किसी और को नवाजने की कोशिश की करने की कोशिश की गई है, और उसमें जो फायदा हो रहा है वो वेस्टेड इंटरेस्ट उठाने वालों का हो रहा है और नुकसान भारतीय अवाम का हो रहा है, इस पर भी बेवकूफ बनाया जा रहा है भारतीय अवाम को। देखें, हमें इससे गर्ज नहीं है कि कौन सी करप्शन हो रही है, किसको फायदा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। मैं तो प्योरली कैपेबिलिटी अहलियत की बिना पर बात करता हूँ कि जो Su-30 है अगर हमने उसको गिराया तो हमने अहलियत की बुना पर गिराया ना, और एक ही दिन में जो हाल देखा भारतीय फजाइया का पूरी दुनिया ने, उस पर भारतीय फजाइया जो है वो तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उनके अपने लोगों ने उनकी लान तान की है। अब कौन सी चीज़ है जो नहीं लाना चाहते हैं? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये डुगडुगी बजाने वाली बात है, ऐसे ढोल ढमाका करने वाली बात है। कोई ऐसी अहलियत नहीं है जो भारत ने हासिल की है, जहाज़ कहीं और से आप ले रहे हैं। पाकिस्तान ने तो JF-17 अपना बना रखा है और उसको हम बाकायदगी से जो पुराने जहाज हैं उनको रिप्लेस करने के लिए और जहाज बना के पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट किए जा रहे हैं, ये हमारा साथ चलता हुआ एक प्रोसेस है। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, राजनाथ सिंह जो भारतीय वजीर दिफा हैं उनकी एक और ट्वीट मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं, आई वुड लाइक टू ऐड इफ़ anyone who should be worried about or critical about this new capability of the Indian Air Force, it should be those who want to threaten our territorial integrity. यानी पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि जिनके लिए अब हम खतरा बनने जा रहे हैं वो लोग हैं जो हमारी territorial integrity को question करने की कोशिश करते हैं या उसमें intervene करते हैं। यानी बराह रास्त चाइना को पैगाम देने की कोशिश की जा रही है, या नेपाल के फ्रंट के ऊपर जहाँ भारत को सुपकी का सामना करना पड़ा नरेंद्र मोदी, फिर पाकिस्तान को, तो इस पैगाम को किस तरह से देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी की इंतहा है। चाइना के साथ तो उनका कोई मुकाबला बनता ही नहीं, कोई भी जाविये से आप चाइना के साथ कंपेयर कर लें, चाइना इंडिया से बहुत आगे है। तो इसलिए चाइना और पाकिस्तान को मिलाकर मुकाबला करने की बात करना उनके लिए नहायत, मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी है और लोगों के सामने अपना एक नाम पैदा करने वाली बात है। लिहाजा चाइना के साथ तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। और जहाँ तक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात है, लद्दाख का इलाका जो है वो चीन ने बार बार कहा है कि वो उनका इलाका है, तो इसलिए कोई इलाका ऐसा नहीं। और ये कश्मीर को, लद्दाख को वो समझकर उसी तरह सिलसिला वहाँ करना चाहते मिलेगा। अच्छा शायद एक बहुत बड़ी पावर है, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सलियां देने वाले। आपकी गुफ्तगू से जो मैं समझ पाया हूँ, इसका मकसद अपना गम जो है उसको दूर करना है। शायद नरेंद्र मोदी को इस वक्त जो दाखिली महाज के ऊपर चैलेंजेस का सामना है, वो कोरोना क्राइसिस की सूरत में हो, वहाँ बढ़ती हुई गुरबत की सूरत में हो, फिर दाखिली के अलावा जो खारजी महाज के ऊपर चैलेंजेस का सामना है उस पर भी शायद अपने गम को मैला करने की कोशिश की जा रही है, या आवाम के सामने आप अपना बेहतर इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर शायद इस तनाजुर में लिया जाए इसको। जी बात यह है कि उन्हें तो जितने भी मकाम हैं उन सब पर नाकामी का सामना है। वो अफ़गानिस्तान में घुसना चाहते थे, वो ना हो सका, उनकी जहाँ तक इकॉनमी है उसका तो आपने देख लिया। फिर वो दुनिया में जहाँ तक उसका नाम है कश्मीर की वजह से खासकर, और फिर ये जो लद्दाख का मामला हुआ, उन्हें नहायत सुबकी का आलम है। तो कोई भी उनका टारगेट जो कि मोदी हुकूमत पूरा करना चाहती थी वो नहीं हो सका, लिहाजा वो लोगों की तवज्जो उन असल मामलात से हटाकर इन जाली मामलात की तरफ लगाना चाहते हैं, जहां उनको बिल्कुल उसी तरह शर्मिंदगी का सामना है और ना वो इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं पे भी उनको कोई कामयाबी नज़र नहीं आती। तो ये बातें हैं जिसके ज़रिए उनके मुख्तलिफ लोग लगे हुए हैं कि लोगों की तवज्जो
इन चीजों से हटाकर ऐसी तरक्की जाए जिस अच्छा शायद नतीफ साहब सोशल मीडिया के ऊपर राफेल तैयारों को लेकर एक और जंग लड़ी जा रही है और जो भारत पोर्ट्रे कर रहा है वो सबके सामने है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक जश्न का सा समय है वहां पर, और ये बताने की कोशिश बढ़ा चढ़ा कर बयान करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे अब खुदा न खास्ता हमारे से वो बहुत बरतरी ले गया है या उनकी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एक इनकलाब बरपा हो गया है, क्योंकि आप एविएशन इंडस्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, आपकी माहिराना राय इस पर क्या है कि हमारे यहाँ सूरत हाल क्या है और हमारी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है, खासतौर पर मैं देख रहा था कि वो ये कहते हैं कि जो भारतीय पायलट राफेल तैयारों को उड़ाकर अंबाला तक लेकर आए हैं उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत एक्सपर्ट है जो राफेल को उड़ा सकते हैं, तो कैसे तकाबली जायजा लेंगे हमारी एविएशन का, हमारे पायलट्स का।